Press the bell icon for all the updates. Many congratulations guys, gana release ho chuka hai. Nisha ko lekar kya kehna chahenge? Sabse pehle to kahani badi dilchasp hai. Ji. कहानी तो बहुत एक्चुअली कहानी सच कहूँ तो कहानी बहुत सिंपल है. सिंपल इसलिए कि ये कहानी आपको हर दूसरे कपल में या फिर हर कपल में आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि हर कपल किसी ना किसी परेशानी से गुजरता है. एक रिलेशनशिप को निभाना बहुत आपको करेज चाहिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत कंपैटिबिलिटी चाहिए. और आपकी ज़िंदगी में आपके पास इतने प्रायोरिटीज़ होते हैं आपके काम को लेकर, आपके रिलेशंस को लेकर, आपके अदर फ्रेंडशिप फैमिलीज सब कुछ. तो रिलेशनशिप की जगह कहाँ होती है ये आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए हमने कुछ दिखाने की कोशिश की है, कुछ चीज़ें इसी के माध्यम से कुछ यही संदेश देने की कोशिश की है. तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आए. ओके, हम देख रहे हैं आप पहले तो भरोसा नहीं करते हो, फाइनली यू अग्री वीडियो में. तो हाउ वाज इट शूटिंग द होल स्टोरी? अच्छा था. जो पार्ट ने बोला वो सेम ही चीज़ है, बिकॉज बहुत ही कॉमन स्टोरी है, क्योंकि मोस्टली हर कपल के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है. तो मज़ा आया शूट करने में, क्योंकि थोड़ा रिलेट कर पा रहे थे, बहुत कॉमन टॉपिक था, क्योंकि तो अच्छा था. हाँ, रिलेट कर पा रहे थे. और क्या बोलूँ मैं माध्यम, क्या तुमने रिलेट किया चार्ली अपने हमारे डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर / एवरीथिंग, स्टोरी राइटर, एवरीथिंग. तो जिन्होंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे, जो जिन्होंने ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया है, पलाश मुछाव. थैंक यू सो मच पायत, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू. अब प्लीज़ मेरे शोज होस्ट कर सकते हो. इंस्पिरेशन क्या है यार? इंस्पिरेशन कितने अच्छे से निभाया है जो आपने विजुलाइज किया. जैसा पायत ने कहा, ये स्टोरी एक सिंपल सी है, बहुत कॉमन है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है. मेरे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हो चुका है. सो यस, कहीं ना कहीं हर कोई कनेक्ट करेगा. सिंपल सी स्टोरी है एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत थी दोनों से, एंड दोनों ने खरा उतरा उस एक्सपेक्टेशंस पे. पलक विल बी हैप्पी अबाउट दिस, मेरी हिंदी के लिए. सो हाँ जी, तो इन दोनों ने दे हैव डन अ ग्रेट जॉब. एंड पार्थ का तो मुझे पता था, लेकिन चार्ली सरप्राइज पैकेज में आई. सो या पार्थ, आप कितना रिलेट कर पाए? कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि पहले आप श्योर नहीं हो किसी भी गर्ल को लेकर, और देन यू नो टू बी ऑनेस्ट, मेरी क्या, हर एक की ज़िंदगी में ये होता है. और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ है. थोड़ा बहुत ब्रेक तो आता ही है, जहाँ पर आप अपने काम को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर स्ट्रेस्ड अप हो जाते हो. और चीज़ें को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. इनमें आपके प्रायोरिटीज सेट करना बहुत ज़रूरी है, आपके पार्टनर को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. तो ये चीज़ें मैंने भी विटनेस की हैं, मैंने भी रियलाइज़ की हैं, और हम लोग भी काफ़ी कुछ सीखे हैं हमारी ज़िंदगी से, इस वीडियो से भी. क्या करने में ज्यादा मजा आता है, शूटिंग फॉर म्यूजिक वीडियो और टेलीविजन? दोनों अपनी अपनी जगह है, दोनों अपनी अपनी जगह है. टेलीविजन जो है वो काफ़ी लंबे समय के लिए चलता है और काफ़ी हेक्टिक होता है, और बट अच्छा होता है, एक अच्छा प्रोसेस होता है. वी लर्न अ लॉट, हर दिन कुछ सीखने को मिलता है. और कंपैरेटिवली म्यूज़िक वीडियो शॉर्ट होता है, आप जल्द से जल्द शूट कर लेते हो इसे. और एक कहानी होती है, एक विजुअल होता है जो आपको दिखाना होता है कुछ कम समय में, और आपको अच्छा दिखना होता है इसमें. तो आपके पास अपना समय होता है बहुत कुछ करने के लिए. तो यस, दोनों अपनी अपनी जगह स्पेशल है. और म्यूज़िक वीडियो जैसे कि आज के जनरेशन में काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो काफ़ी लोग इसे पसंद करते, काफ़ी लोग देखते, क्योंकि क्या है कि बहुत बड़े बड़े चीज़ें अब छोटी छोटी होती जा रही है जैसे जनरेशन आगे बढ़ते जा रहा है. सोशल ऐप्स और व्हाटएवर, सोशल मीडिया. सो जितना शॉर्ट होगा उतना ऑडियंस के लिए एक्साइटिंग रहता है, जितना शॉर्ट होगा जितनी कहानी छोटी छोटी होती जाएगी ऑडियंस के लिए, क्योंकि आजकल लोग इतने बिजी अपनी ज़िंदगी में,
तो हम क्या उन्हें दे सकते हैं, थोड़ा बहुत स्माइल करने के लिए, थोड़ा बहुत खुशी देने के लिए या थोड़े इमोशंस देने के लिए, उतनी हमारी कोशिश होती है. थैंक यू सो मच. बाकी आई होप आप सबको सॉन्ग पसंद आए. दैट्स इट. ओके, सॉन्ग में आपने खुद का इनपुट कितना दिया था? आई एम डायरेक्टर्स एक्टर, तो मुझे जैसे करने को बोला जाता है मैं तब तक बीच में नहीं घुसती, अपने इनपुट्स नहीं डालती जब तक मुझे बहुत ऐसा लगे नहीं कि नहीं ऐसा होना चाहिए. बाकी आई लव जिस तरह से पलाश ने सब कुछ पोर्ट्रे किया. Let's hear it from the captain of ship. Yes, let's introduce the producer of our music video, jinka naam hai Raj. Naam to suna hoga aapne. Hi, I am Raj. Ye mera pehla production house hai, jisse kyunki in logon ki wajah se to pehle hota nahi tha production house. Ye kya hai ki ye hamare main actor hai. Ji. In logon ki wajah se to. नहीं, मैं पर्सनली नहीं, बट मैंने जब इनका नाम सुना, क्योंकि मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ. तो आप पलाश को पर्सनली जानते थे? हाँ, मैं पलाश को पर्सनली जानता था. तो पलाश भी अगर नहीं होते तो एल्बम होता ही नहीं था, तो इसलिए उनका बहुत बड़ा हाथ है. और ये यानी कि मेरा पहला प्रोडक्शन हाउस है जो हम लॉन्च कर रहे हैं, और आज शायद 4 बजे तक ये सब लॉन्च हो जाए. तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था.